स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री लेसी सिंह आज अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को लेकर सफाई दे सकती हैं। उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने ही संगीन आरोप लगाए हैं। गलत लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, बीमा भारती की ओर से कहा गया है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और लगातार महागठबंधन की सरकार पर आफत मंडराती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि एक के बाद एक मंत्रियों पर संगीन आरोप लग रहे हैं। मंत्री लेसी सिंह की बात की जाए तो जेडीयू से ही विधायक बीमा भारती ने उन पर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि उनको उनके पद से हटाया जाए, नहीं तो वो इस्तीफा दे देंगी विधायक के पद से। हालांकि इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है कि आज मंत्री लेसी सिंह अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को लेकर सफाई दे सकती है। तो जेडीयू विधायक बीमा भारती का अपनी ही सरकार पर निशाना देखने को मिला है और गलत लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, उनकी ओर से ये कहा गया। तो जेडीयू विधायक बीमा भारती का अपनी ही सरकार पर यह आरोप। हमको नाराजगी जो है किसी से नहीं है, सिर्फ एक से इंसान से नाराजगी है जो कि लेसी सिंह है। बस उससे हमको नाराजगी है कि उसको इस तरह से जो है बार बार जगह दिया जाता है। क्या छवि उसमें नजर आता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उसको मंत्रालय में जगह मिलता है क्यों देता है? वैसा सब जो कि पार्टी में बदनाम करती है, पार्टी में जो है कि छवि को धूमिल करने में लगी रहती है, बार बार घटना करती है क्षेत्र में, पार्टी का बदनामी होता है, मुख्यमंत्री पर उंगली उठता है कि क्या उनमें जो है कि गुण है, क्या है जो बार बार उसको जगह मिलता है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र रावड़ी देवी की आवाज से लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंत्री लेसी सिंह की आवाज से लाइव, और साथ ही रितेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्तिक कुमार की आवाज से लाइव। सबसे पहले शैलेंद्र जी, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मंत्री लेसी सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दे सकती है कुछ देर बाद। जी बिल्कुल, सफाई दे सकती हैं, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है उनके जो सहयोगी हैं या उनके आवास पर जो लोग हैं उनकी ओर से कि वो बीमार हैं और अभी तक जो कहे कि जो समर्थक भी आ रहे हैं उनसे भी वो मुलाकात नहीं कर रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि 11 बजे के आसपास वो जब सामने आएंगे और हो सकता है तब वो अपनी बात रखें, लेकिन अभी तक जो मंत्री की ओर से कुछ कहा नहीं गया है। और जितने भी समर्थक, चूँकि अभी ये नई नई मंत्री बनी है, फिर से शपथ ली है, तो समर्थक तमाम बधाई देने आ रहे हैं, वो उनसे भी वो मुलाकात नहीं कर रही हैं और उनका अभी 11 बजे का समय दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ देर में जो डॉक्टर हैं उनको देखने के लिए आए, और जब शपथ ग्रहण हुआ उस समय भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो लेसी सिंह की तरफ से ये कहा जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 10 बजे के बाद यानी 10 से 11 के बीच में वो सामने आ सकती हैं और अपनी बात रख सकती हैं। लेकिन जिस तरह से बीमा भारती ने अपनी बात रखी है, बीमा भारती ने जिस तरह सवाल उठाया, चूंकि वो पहले मंत्री रहे और दोनों एक ही जिले यानी पूर्णिया से आती हैं, और देखिए अब जो है डॉक्टर जा रहे हैं, ये जाएंगे उनको उनका जो देखने के लिए, जो लेसी सिंह को देखने के लिए ये अंदर जा रहे हैं। तो साफ तौर पर इनके यहाँ कहा गया था कि उनका उनका जो इलाज है वो इलाज हो रहा है। तो ये इस तरह से जो डॉक्टर्स हैं या और जो हैं उनको अंदर ले जाया जा रहा है, उनका जो बीपी वगैरह है वो चेक किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि पहले भी जब से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है तब से ही उनकी तबीयत खराब थी, और उन्होंने कहें कि तबीयत खराब होने के बीच में वो गई हैं और उन्होंने शपथ ली है। और साफ तौर पर अब जो है डॉक्टर जो है अंदर जा रहे हैं, उनको देखेंगे, मंत्री को देखेंगे, और उसके बाद वो हो सकता है कि जो मंत्री हैं लेसी सिंह हैं वो सामने आए और देखिए किस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट्स लेके जो बीपी के और अन्य जो वो लेकर वो डॉक्टर अंदर गए हैं। और ये कह सकते हैं कि अब यही इंतजार है कि लेसी सिंह की तरफ से क्या कहा जाता है। और इससे पहले ही बता दें कि जो सवाल उठे हैं, यही सवाल जब ये एनडीए सरकार में मंत्री थे उस समय जो विपक्ष था यानी कि राजद की ओर से उठाए गए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की ओर से उठाए गए उस समय के, अभी वो डिप्टी सीएम हैं और उन्होंने भी सवाल उठाया था उस समय जो लेसी सिंह हैं उन्होंने अपनी सफाई दी थी और कहा था कि उनके ऊपर जो आरोप हैं वो निराधार हैं। लेकिन एक लंबी कहें कि उनके खिलाफ जो प्रदर्शन की धरना प्रदर्शन की श्रृंखला जो है वो पूर्णिया में चली थी, और दोनों चूंकि एक ही जिले से आती हैं, जो
बीमा भारती हैं, पहले मंत्री रही हैं, गन्ना उद्योग मंत्री रही हैं और जो 2020 में सरकार बनी थी उसमें उनको मंत्रालय में जगह नहीं बनी और उसके बाद उन्होंने बुनियाद नहीं खोला, लेकिन जब अब महागठबंधन के साथ सरकार बनी है तब उन्होंने अपनी बात सामने रखी कि आखिर क्या ऐसी बात है जो लगातार उनको ही मौका दिया जाता है, लगातार उनको ही मुख्यमंत्री जो है मंत्री बना रहे हैं। तो एक तरह से कहे कि एक दर्द भी है जो बीमा भारती का कि आखिर उनको इस बार मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इसके पीछे एक दर्द ये भी छुपा हुआ और यही वजह है कि वो अब इस्तीफे तक की धमकी दे रही। अगर कह रही कि लेसी सिंह को नहीं हटाया जाएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, अब देखना होगा कि लेसी सिंह क्या कहती है और उसके बाद अगर सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता, यानी कि जेडीयू का जो नेतृत्व है, जेडीयू का जो आला कमान है, बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र इस पर भी बात करेंगे, लेकिन रुपेंद्र, शैलेंद्र और रितेश आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी सियासत के बीच में, तमाम आरोपों के बीच में क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये सुनाते हैं। देखिए बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बना है और बीमा भारती जी का आरोप मुझे लगता है कि इसलिए है कि वो मंत्री पद से वंचित रह गए हैं, क्योंकि लेसी सिंह जी पहली बार मंत्री नहीं बने हैं, वो एनडीए में भी मंत्री थी, उनका तीसरा बार मंत्री पद का ओथ हुआ है। तो मुझे लगता है कि बीमा भारती जी मंत्री पद से, मंत्रिमंडल से वंचित रह गई हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लेसी सिंह जी पर लगा रही हैं। हम लोग तो लगातार इस बात को कहते हैं, अभी कई एक मंत्री को किसकी चर्चा की जाए, हमाम में सभी मंत्री के कहानी उसी तरह निकल रहे हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री हुआ चाहे उनके बाकी मंत्री हो, लगातार समाचार से बात जानकारी आ रही है। तो ये बेमेल गठबंधन है, ज़्यादा चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि आपको बुलाने नहीं गए थे, ये स्वयं आए थे भ्रष्टाचार के, कहते थे कि हम भ्रष्टाचारी से समझौता नहीं करेंगे, अब स्वयं भ्रष्टाचार के गोद में बैठ गए। देखिए आरोप किसी पर भी कोई लगा सकते हैं, लेकिन यह कानूनी प्रक्रिया है, कानून जो है क्या करेगा वह कानून जानेगा। महागठबंधन की सरकार कभी जो है किसी गलत आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कानून के दायरे में रहकर कानून से काम किया जाएगा। और बीमा भारती जी जहाँ तक बोल रही हैं, हो सकता है कुछ लाभ और लोभ के कारण उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, इसके कारण बोल रही होगी। तो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार बनते ही विवादों का साथ जुड़ता जा रहा है, एक के बाद एक दागी मंत्रियों की कारस्तानी सामने आ रही है, जिसको लेकर महागठबंधन पर विपक्ष हमलावर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह पर जेडीयू की ही विधायक बीमा भारती ने संगीन आरोप लगाए हैं, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर लेसी सिंह को सीएम ने बर्खास्त नहीं किया तो वो इस्तीफा दे देंगी। वहीं कानून मंत्री कार्तिक कुमार अपहरण के केस में वॉन्टेड है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर सरकारी पैसों के गबन का आरोप लगा है। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर दिल्ली एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ पकड़े गए हैं। तो महागठबंधन सरकार में कितने दागी हैं, ये लगातार सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी अब खुले तौर पर इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष भी सीधे तौर पर कह रहा है कि महागठबंधन सरकार में आपराधिक छवि के लोगों को जगह दी गई है। लेसी सिंह पर भी तमाम आरोप लगा दिए गए हैं, साथ ही अपहरण केस में वॉन्टेड है कार्तिक कुमार, उन पर भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि सभी अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि लेसी सिंह भी लगभग 11 बजे तक अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई पेश कर सकते। शिक्षा मंत्री पर भी आरोप लगे हैं।